तो दोस्तों हमारा मटर पनीर बनके रेडी हो चुका है। तो इसमें हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं दोस्तों? मतलब तो अच्छे और स्वस्थ हो दोस्तों। तो आज का मौसम इधर देख रहे हो तो किस टाइप का है? अभी तो धूप निकला हुआ, पूरा मौसम साफ तो नहीं है, देख सकते हैं बादल लगा हुआ है, बारिश होएगा, अभी टाइम है दोस्तों। तो इधर नंदिनी अपना भाव सर धज के देखिए, नंदिनी इधर खाना बना रही है। बाप रे, अभी दोपहर का टाइम है दोस्तों, तो हम कैसा कैसा डिजाइन पहन लिए देखिए दोस्तों। रील्स वगैरह बना रहे थे ना दोस्तों, एक दो के साथ। तो रील्स अगर आपको देखना है ना दोस्तों, हमारे चैनल पे देख सकते, मतलब हमारे इंस्टा आईडी पे नंदिनी डॉट आशीष में, वहाँ रील्स मिल जाएगा आपको देखने नंदिनी का। दोस्तों बनाने के लिए पुलाव और मटर पनीर दोस्तों। देखिए पनीर लेके आए हैं दोस्तों, चावल है इंडिया गेट, और दोस्तों की अभी सामान है ना, सामान में तो वो सब चीज का नामो नहीं लेना है दोस्तों, इसलिए तो इसलिए हम लोग सामान में खाते भी नहीं जो नाम लेंगे। तो ये सफल मटर जो लेके आए थे हम लोग कल, आज बनेगा पुलाव। जीरा राइस बनाएगी ना? हाँ, जीरा राइस बनेगा दोस्तों, और पनीर मटर, मटर पनीर का सब्जी बनाएंगे जो हम, देखिएगा आपको तो पता ही कि बहुत अच्छा बनाते खाना। नंदिनी तो खाना मस्त बनाती रहती है, जब भी बनाती है मस्ती बनाती है। तो चलिए इसका रेडी करेगी नंदिनी, पहले पुलाव रेडी कर रही है। हाँ। तो चलिए दोस्तों, नंदिनी चावल निकाल लिए, देखिए पूरा एक किलो का पूरा बनाएगी, हो जाएगा एक किलो में? ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, मेरे को लग रहा है हो जाएगा। चार आदमी दोस्तों, जो बड़ा बड़ा आदमी है, बाकी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। और गुल्लू और इधर मानसी खेल रही है। गुल्लू क्या कर रहा है? बोलो हाय, बोलो हाय, बोलो हाय, हाय बोलो, तुम भी बोलो हाय। हाय हाय सीख रहा है, नेटा बह रहा तेरा जो नेटा पूछने देगी चलिए थोड़ा ये दोस्तों, सबसे छोटी बहन है, ये सबसे छोटी नहीं, कौन जी आप? अंजलि के बाद है ना? हाँ, अंजलि के बाद है दोस्तों, अरिया से पहले है। चलिए चावल धोने ले जा रही है, आगे तुम फेंक के ना, हम तुमको दे रहे हैं। नंदिनी धो के दे देगी, पहले देखिए चावल क्या पुलाव में तेल डाल रही है, पहले तो पहले पुलाव में तेल डाल रही है नंदिनी। जीरा राइस बन रहा है ना? जीरा राइस बनेगा। तो चलिए दोस्तों जीरा राइस बना रहे हैं, अब सबसे पहले जीरा देंगे और एक कुछ खड़े मसाले हैं दोस्तों, और ये हमारा सूखा लाल मिर्च तेज पत्ता, बस हो गया। अब इसको हल्का सा रोस्ट होने देते हैं, मतलब ब्राउन। तो चलिए हमारा एकदम अच्छा सा ब्राउन हो गया है, अब हमारा पुलाव वाला चावल देते हैं। नंदिनी जी मुँह को सिखा रही है तो कैसे खाना बनता है, देखिए और सीखिए, समझे? बढ़िया बढ़िया खाना नंदिनी बनाती है, आपको भी सिखा देगी। तो चलाएंगे इसको, यही रख लो, यही सीख लेगी यहाँ पर रहके अच्छा अच्छा खाना बनाना। जीजा को बना बना के खिलाना है? हाँ, जीजा को बना बना के खिलाना है। कौन से जीजा को? रंगी साहब। हाँ सही, तो हमारे पास रहेंगे तब ना जी हमको खिलाएंगे। आपके पास नहीं रहेंगे तो नहीं खिलाएंगे। कैसे उड़ के आएंगे क्या लेके? नहीं, तो अभी सीखिए, बनाइए अभी। तो दोस्तों अभी मेरी दीदी बोल रही थी हम सीखेंगे, और वो अभी सो रही है। जिम देख लीजिए दोस्तों कैसे बन रहा है, सीख गए ना जी? और दीदी को बोले तो दीदी बोलती है बुआ को दूध पिला रहे कैसे, तो हम क्या कितना देर वेट करेंगे, क्यों टाइम भी हो रहा है ना, खाना भी बनाएंगे सबको खिलाना भी है दोस्तों। पानी अब नाप के देना पड़ेगा, देखो ना, देखो नाप के पानी दिया जाता है, सुनो। तीन तीन, जैसे हम तीन गिलास चावल लिए थे ना, साढ़े तीन गिलास, तो उसका डबल पानी लिया, तीन लिए, चार पाँच, डबल मतलब छह, और फिर लिए थे आधा, तो आधा पानी डाल दिए, हो गया। देखा कैसे बना, इस तरह से होता है, जितना चावल उसका डबल पानी। और सीटी कितना मारना है अभी बता दो? सीटी तीन सीटी, ज्यादा नहीं, तीन सीटी, तीन सीटी, समझ गया? कितना? तीन सीटी। चलिए जैसे क्या हो गया चावल सही तरह से,
कितना आसान है बनाना रहा पुलाव। इसमें थोड़ा सा नमक दे देना, थोड़ा सा चीनी दे देना, थोड़ा सा चीनी भी, समझे? आशीष जी को ना मेरा देख के आदत है। हम ही सिखाए नंदनी को, तो हमको बहुत की झूठ की खाना बनाने नहीं आता था, तो हम सिखाए सारा, कितना भी खाना अधिकतर हम ही सिखाए इसको। आप लोग बोलते हैं आशीष कुछ नहीं करता, आशीष इसको पूरा खाना बनाने सिखाया। बाबू कितना झूठ, पहले से भी सोरना और भुंजिया बनाने जानती थी और चोखा नहीं, घर में क्या बनता था, भुंजिया और चोखा। आपको क्या आता बनाने? कुछ नहीं आता, वही सब्जी आलू का और क्या। आपका भी तो यही बनता था पहले? नहीं, हम रेसिपी मास्टर है। बाहर में रहते थे पहले, देखो मतलब काम करते थे ना बाहर ही, बाहर तो बाहर में अपना एक से एक खाना बनाते थे, आराम से खाते थे। वही सब लोग पूछ लो उससे, पुलाव बनाने तुम तो आई नहीं, कैसे बनाना है? सिर्फ हम देखेंगे, हम सीखेंगे बस, उसको हम बताते हैं कैसे कैसे करना है हर चीज, बस बना लेती है, सीख लेती है इसी तरह से। दोस्तों नंदनी तो चलिए हो गया, नंदनी का बंद कर दे रही है, 3 सीटी बाद हमारा पुलाव बन के रेडी हो जाएगा, क्या नंदनी? एक सीटी हरा दिया गुल्लू। एक सीटी हरा दिया, गुल्लू बहुत बदमाश है, तो देखते हैं क्या क्या में रखना, ज्यादा भी नहीं रखना, हाई फ्लेम भी नहीं, मीडियम में रखना है आग। तो पनीर को एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में काट लिए हैं, एकदम पीस पीस करके, और इसको रख देते हैं। अब इसका मसाला रेडी करते हैं दोस्तों। देखिए धनिया है और जीरा गुड़की है और कुछ खड़े मसाले दोस्तों, और लाल मिर्ची है जो हमको भूंज कर पीसना है दोस्तों। इधर है देखिए लहसुन भी है और एक प्याज है और 3 टमाटर है दोस्तों, सबको पीसना है भूंज करके। अरे मसाले नमी भूज ली है, अब इसका प्यूरी बनाएगी, इसका बनेगा अलग पेस्ट, और टमाटर को भी अलग से पीसेगी। गरम हो रहा है पनीर को, थोड़ा नंदनी थोड़ा ब्राउन करके भूंजेगी, चलेगी। अरे गुल्लू क्यों रो रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लो लो खेलो जा। ये ना मेरा बच्चा बहुत परेशान कर रहा था, हमेशा कुछ ना कुछ कर नहीं रहता है, जाकर खेलना चाहिए, तो इधर चूड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए करते रहता है। तो चले तो सारा मसाला भी पीस लेते, जितना भी हमारा मसाला भी पिसा गया है, इधर हमारा पनीर भी हो गया, एकदम लाल करके रख दिए, और इधर हम तेल दे दिए हैं, तेल भी हमारा गर्म हो गया है। अब जीरा देते हैं थोड़ा, और ये हमारा कुछ खड़े मसाले हैं दोस्तों, लाल मिर्ची और तेज पत्ता है दोस्तों, हल्का से सब ब्राउन होने देते हैं। नंदनी का मसाला तो ब्राउन हो चुका दोस्तों, अब प्याज को अच्छी तरह से नंदनी ब्राउन करके भूंजेगी। आज लेकिन खाना बहुत स्वादिष्ट बन रहा है दोस्तों, नंदनी बहुत मेहनत कर रही है, सुबह से मेहनत कर रही है, एक नंबर खाना बनाएगी आज, क्या साड़ी तो देख रहे हैं, एक नंबर साड़ी भी पहनी है दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि साड़ी में कैसी लग रही है नंदनी, एकदम डिजाइन तो ऐसा है कि मत पूछिए दोस्तों, बोलने से बोलती कि हमारे डिजाइन है, हम पहनेंगे घड़ी भी, घड़ी सोचिए, घड़ी पहन के खाना बना रही है, एकदम नोटिस ही नहीं किया दोस्तों, घड़ी बाप रे, स्मार्ट वॉच पहन के खाना बन रहा है इसका, तो ज्यादा हीरोइन बन रही है नंदनी। इधर देखिए हमारा मटर, इधर नंदनी का मटर भी किशोर दे रही है ना, हल्का से कर दे, नरम हो जाएगा। तो प्याज ब्राउन हो गया दोस्तों, नंदनी अभी इसमें हल्दी डाल दे रही है आज, लेकिन खाना तो सेंट आ रहा धीरे धीरे सबसे। नमक भी यहाँ पर सीखने का कोशिश कर रहे हैं, मसाला दे देते हैं, जो सब मसाले मिक्स में पीसी के मसाले बढ़िया से भूंजेगी नंदनी, तो ब्राउन थोड़ा लाल करके एकदम बढ़िया से भून देगी, तो और भी मस्त टेस्ट आएगा दोस्तों, खाने में तो मजा ही आएगा। ये हल्का भूंजा जाएगा ना, उसके बाद ये टमाटर का पेस्ट देंगे। चलिए मसाला अच्छी तरह से नंदनी भून दिए दोस्तों, पूरा लाल करके, अब इसमें मटर डाल दे रही है, सबको मिलेगा सबको मिलेगा, सब जाओ मटर को छान छान के निकाल लीजिए दोस्तों पानी, और इसमें ऐसे
मटर को भी थोड़ा भूंज लेगी। एकदम मटर भूंज आ गया है मसाले के साथ। अब पनीर भी दे देते हैं हम, इसको भी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भून लेते हैं। बस अब पानी दे देते हैं। इधर मेरा गुल्ली जो है कि बहुत बदमाशी कर रहा है दोस्तों, फिर से नहा के आया है शेर। चलिए पानी डाल दिया, 5 मिनट तो खटकने देगी नंदिनी। तो दोस्तों हमारा मटर पनीर बन के रेडी हो चुका है, तो इसमें बस खाली गरम मसाले डाल दे रही है नंदिनी कि स्वाद और भी बढ़ जाएगा। धनिया पत्ता थोड़ा झोर रहेगा ना तो और अच्छा लगेगा खाने में। बस अब उतार दे रहे हैं। नमक उमक सब सही है ना? हाँ, सब सही है। चलिए दोस्तों एकदम मस्त देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है हमारा मटर पुलाव। मटर पुलाव है कि मटर पनीर है? हमारा देखने में काफी सुंदर लग रहा है दोस्तों मटर पनीर। अब इसको बंद कर दे रहे दोस्तों, हो गया है। अब जा रहे सबको खाना वाना देने के लिए दोस्तों। चलिए काफी मेहनत लग गया दोस्तों, बहुत देर से नंदिनी लगी हुई है। चलिए दोस्तों खाना निकल चुका हम लोगों का। चलिए दोस्तों हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी खा लीजिए पुलाव और पनीर का सब्जी दोस्तों, खा लीजिए उसके बाद खाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम भी जा रहे खाना वाना खाने के लिए, और सभी कोई खा लिए, जीजा जी खा लिए हैं और आशीष जी अभी तक खा रहे, कितना वेट करेंगे जा रहे दीदी के साथ खाने के लिए। तो कैसा लग रहा खाने में? बहुत ही टेस्टी लग। कैसा लगा जीजा? अच्छा लग रहा। अच्छा लगा दोस्तों, तो चलिए हम भी खा लेते हैं दोस्तों। ये सभी खा लिए आराम से, सब रेस्ट कर लिए। और नंदिनी का हालत खराब हो गया दोस्तों। मेरा हालत खराब नहीं हो गया दोस्तों, सुबह से जो उठे हैं तो काम ही कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अंजलि अंजलि करते रहती थी, अंजलि अंजलि कह रही है। पर अंजलि मन कर रहा ना जाके सोया कि ये ना वाला चीज मेरे को, वो तो ऐसी भी दर्द देती है नंदिनी का देखते। चल रिमूव बर्तन थोड़ा धो, रिम जिम कर देगी, हेल्प खिलाइएगा गिराइएगा नहीं, दोनों मिलकर धो लो तो और क्या। बहुत बर्तन है दोस्तों, चलिए आपको दोस्तों इतना सारा बर्तन है, दोनों बहन मिल करके धो लेगी, क्या हो जाएगा ना कि हम भी आ जाएं? तो आप पानी पैसे पकड़ लेंगे। ठीक है हम पानी पकड़ देंगे दोस्तों। क्यों ना, ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों कि आप लोग कितना बोलेंगे फुर्ती हो गया, मगर क्या किस अब गेस्ट को हम बोले कि हमारा काम कीजिए, अच्छा तो नहीं लगेगा। कमेंट भी आने लगता है कि नंदिनी अचानक से फुर्तीला हो जाती है कभी। तो क्या करेंगे दोस्तों, अब मेरे हस्बैंड भी साथ देते तो क्या, हर चीज कैमरा में थोड़ी फोकस करना है बार बार। चलिए सारा बर्तन धो लेते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी सभी अपना तैयारी हो रहे हैं सभी जाने के लिए, तो देख सकते हैं अंजलि, अंजलि तो नहीं थी तो यहाँ पर देखिए वीडियो कॉल में अंजलि आ गई है। कैसा लग रहा है जी? इनको भी मन नहीं लगा तो वीडियो कॉल में लगे हुए, लगा रही है वीडियो कॉल में, आप वीडियो कॉल में रह सकते हैं। सभी तैयार हो रहे हैं दोस्तों इधर पास, और इधर नंदिनी चाय बना रही है देख सकते हैं। मेरे दीदी तो अपने परेशान है दोस्तों, अपना बच्चा बच्ची से परेशान है, सबका अपना अपना बच्चा, देखिए उधर सब तैयार हो रहे हैं। दीदी का चॉइस है दोस्तों कि चाय पी के जाएंगे, बोले चाय बना दे तो बोली हाँ, कोई बात नहीं हम अभी बना देते हैं चाय, थोड़ी हमारे घर में डेली डेली चाय पीजिए दोस्तों। तो अभी नंदिनी देखते सारा काम तो हो गया, पूरा किचन सब साफ कर लिया नंदिनी आराम से, सभी मिलके कर लिए काम खत्म। अब बन रहा है यहाँ पर चाय दोस्तों, चाय बन रही है। नंदिनी की बहन अभी जाएगी, मतलब अभी कल उनका टिकट है दोस्तों गांव के लिए, तो अभी बोल रहे कि जाएंगे तब तो पूरा वहाँ का सामान सब समेटेंगे तब ना निकलेंगे सही से। तो अभी यहाँ पर नंदिनी चाय बना के पिलाएगी बोली, इधर सभी तैयार हो रहे हैं। हाँ सभी तैयार हो गए हैं, अब मौसम भी खराब हो रहा है, देखो खराब हो रहा, कैसे जाएगा तो जाने में घर बहुत टाइम लगेगा, तो कार बारिश होने लगा टिप टिप से कि बाइक से कि ऑटो से कि चार पांच हो तो ऑटो मंगाए हैं, ऑटो है वाला ऑटो में भिजवा देंगे, बस बिल भर देना।
जल्दी कपड़ा उठा ले नंदनी, पानी आ रहा है। मैं तो काफी मस्त हूं मगी, मेरा घर अब कैसे हम रहेंगे यहाँ पे बता दो। जैसे रहती थी फिर हम मच्छर मारेंगे बैठ के यहाँ पे। दो दिन कितना अच्छा लग रहा था मेरे को। झोला पोता निकाल होते है ना, झोला पोता आगे निकाल। टॉप खरीदी थी जो नहीं था वो दे दे रही रिमू को, मतलब रिम जिम पहने की, इसको आराम से हो जाए। दो बार मात्र पहन, तुम पहन ही क्या, तुमको तो देखे पहन लेना। और एक दो ठो है तो गाँव चल जाएगी, दे दे रहे। दे दो रेलों के लिए भी कपड़ा लेना पड़ेगा दोस्तों, मतलब अब जाके देना पड़ेगा वहीं पे खरीद के। अभी खरीदे भी नहीं, आज टाइम भी नहीं है खरीदने का। लीजिएगा जीला पहनिएगा। हाँ सर पहन लो, जो पहन लो तैयारी पहन के निकल लो। तो सभी चाय पी रहे हैं, हम लोग भी चाय पी लेते हैं। और बारिश काफी तेज हो चुका है, कैसे जाएंगे पता नहीं, कैसे जाएंगे सभी समझ नहीं आ रहा। इतना तेज बारिश हो गया, कैसे ले जाएगा सब, अब कैसे जाएगा हमें, क्या बाइक में ही जाना है। छूटेगा तब तक इंतजार करेगा बारिश का और क्या। तो चले दोस्तों, बारिश भी एकदम छूट गया है और गुल्लू को सुला दिया काफी। उससे ना इतना तंग आ गया था, इतना परेशान कर रहा था ना कि मत पूछे। और सब कोई जा भी रहे हैं, निकल रहे हैं आशी जी गाड़ी। मत जा, पानी गिरा कैसे जाएगी। देख रहे तो सब जाने के लिए परेशान है। लगा के कूलर चालू कर दे तो बहुत सुतता लेना दोस्तों। बाबू कूलर बन गया, गरीब कैसा है जाओ। अच्छा नहीं लग रहा, हम क्या करेंगे, मच्छर मारेंगे बैठ के। चले गई दोस्तों, मेरे को बोल रही है कि तुम रहो घर पे, मच्छर मारना। चल लगा लो रिमोट गेट। चले गए दोस्तों, अब हम लोग घर पे बैठेंगे, जाएंगे अभी नहीं। अंजलि भी जाएगी बाद में, जाएगी अभी नहीं जाएगी, दो घंटा भी रहेगी उसके बाद देखा जाएगा दोस्तों। एकदम मन नहीं लग रहा हमको, नहीं एकदम लग रहा ना कि क्या बोले, खराब लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा था ना घर। अभी कोई चले गए हैं और एकदम घर एकदम सोना सोना हो गया है, मत पूछे क्या बोले। बट कोई बात नहीं दोस्तों, हम तो अकेले ही, अब जहाँ है वहाँ तो रहना ही पड़ेगा नहीं अकेला। आप सब कोई खोजेंगे एक साथ फैमिली तो कहाँ हमको मिलेगा दोस्तों। बस अभी रिमझिम भी है, एक दो घंटा भी रहेगी, एक दो घंटा रहेगी दोस्तों, उसके बाद फिर ये भी चले जाएगी ना अंजलि, चल जाएगी रिमझिम। अंजलि याद आ रहा है बार बार, मतलब ज़्यादातर वही आती है ना, इसलिए अंजलि अंजलि नहीं कर रहा, उसके लिए सॉरी दोस्तों। तभी रिमझिम भी रहेगी फिर चल जाएगी, हम भी जा रहे दोस्तों थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी थक गए हैं। और गुल्लू भी सोया हुआ है तो हम भी एक दो घंटा सो जाते हैं, और रिमझिम भी काम करके थोड़ा वो भी रेस्ट कर लेगी। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।